हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी किंग। सो चालू करते हैं आज की वीडियो में हम बात करने और हॉरर फिल्म द किलर सोफ़ा। और ये सोफ़ा जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट बताया उसको, और वो क्या करता, सिर्फ किल करता सिर्फ मेल को और फीमेल को छोड़ देता, मीन्स ब्यूटीफुल ह्यूमन्स को छोड़ देता, वो सिर्फ किल करता मेल को, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता भाई अपना। और वो स्टोरी कैसी फॉलो होती, चलो बात करते हैं। अब ये सोफ़ा है, एक बॉयफ्रेंड रहता, मीन्स वो क्या करता, खुद को जो ब्रेकअप हो जाता बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में, बाद में क्या करता वो चिड़ में आके बॉयफ्रेंड क्या करता, खुद की जो सोल है मीन्स खुद की जो रूह है वो दे देता वो अपने भाई शैतान को। शैतान क्या कर देते उसकी सोल जो कन्वर्ट करके उसको है कि सोफे में डाल देते, और कोई तो भी अलग तरीके से वो डिलीवर कर देता सोफ़ा, एकदम मिस्टीरियस तरीके से जो कि डिलीवर कर देता उसके गर्लफ्रेंड के घर पर। अब उसकी गर्लफ्रेंड एक बार क्या रहती, नहाते रहती, और अचानक उसको ऐसा लगता फील होता है कोई तो भी देख रहा उसको, और अब वो देख रहा करके वो डर के मारे जाके हॉल में जाके सो जाती। लेकिन वो सोफ़ा पे जाके सोती तो सोफ़ा उसको एक रात भर प्लेजर देता, ऐसा लगता है कोई तो भी इंसान के हाथ उसको टच कर रहे रात भर। फिर सवेरे उठते बराबर एकदम ब्रेकफास्ट रेडी रहता, कॉफ़ी रेडी रहती, उसको क्या लगता उसका बॉयफ्रेंड जो जैक है उसने रेडी किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जो है सोफ़ा रेडी कर देता। और जब जैक जाके बिस्कुट उठाता तो सोफ़ा ज़रा साइड में सरक जाता चिड़ के मारे कि भाई तूने लिया आज क्यों मेरा बिस्कुट करके, एकदम भारी सोफे को बताया वो एकदम चाबरा, तो ऐसा होता। और मेरी बोलती उसको कि क्या हुआ करके, ऐसा पूछती उसको, तो वो बोलता कुछ भी नहीं अभी बस मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही मेरी घर के बाहर जाती सोफ़ा जो है क्या मारने की कोशिश करता जैक को, एकदम उसका पैर इंजर करता, और वो जैक तो कन्फ्यूज होता पहले तो सोफ़ा मार रहा कैसा करके, जो जो से चिल्लाता कि नहीं नहीं नहीं, और वो मेरी को कॉल करता और मेरी पुलिस को लेके घर पर पहुँचती, और जैक को जो है क्या एकदम बेहोश एकदम बेकार हालत में बाथरूम में आती, और वो पुलिस को एक्सप्लेन करता कि भाई जो मुझे है क्या सोफ़ा मार रहा था, और ऐसा कुछ प्रूफ कुछ पुलिस वालों को मिलता नहीं, तो उसको क्या बोले तूने ड्रग्स लिया क्या, कि दिमागी हालत ठीक है कि नहीं कुछ ऐसा, पुलिस वाले उसको डांट के उसको घर में भेज देते। और दूसरे दिन क्या होता कि मैं जो जैक है वो टेंशन में रहता चारों तरफ, और जो सोफ़ा है वो डेंजर टेक्निक्स रहती उसके मारने के लोगों, वो क्या करता अलग अलग जो स्प्रिंग्स है क्या दरवाजे और विंडो खोलता, और जो जैक के हाथों के पीछे लग देता बोरिया होड़ के, हाथों के बोरिया होड़ के पीछे लग जाता जैक के भाई अपने, और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो डरती। फिर रात में एक बार उठती वो चेक करने, तो अचानक उसको सोफे के अंदर दो आँखें दिखते उसको, तो और घबरा जाती, और वो क्या करती घबरा के उसके फ्रेंड को कॉल करते, और दोनों जने चेक करते सोफ़ा को क्या है उसमें, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन दोनों भी डरे वाले क्या करते घर पे जाते, लेकिन सोफ़ा जो है क्या पूरा चेक करता क्या हो रहा क्या नहीं। एक दिन अचानक क्या होता कोई घर पे रहता तो चोर आता घर में और चोरी की भाई चालू कर देता, लेकिन वो चोर नहीं रहता, वो चोर कुछ ही चोरने को नहीं आता, वो आता स्पेशली अंडरवेयर के लिए, मीन्स जो लड़की है उसके अंडरवेयर के लिए आता। और फिर घर में वो है ना लड़की वापस आती, मेरी घर में आती वापस देखती तो चोर मरे वाला घर के बालकनी में, फिर बालकनी में देखती तो उसको दिखता कि सब किसने मारा करके, सोफ़ा उसको है ना मारता जान से, और सब मेरी जो है कि छुप के देखती। और फिर अचानक क्या करती वो गलती से स्टेपल पे उसका पैर चल जाता और सोफ़ा को देख लेता उसको सोफ़ा, और सोफ़ा देखे बाद में क्या करता उसके पीछे जाता भागते भागते पकड़ने के वास्ते, और मेरी जो है क्या भागने की कोशिश करती स्प्रिंग से बंद कर देता डोर वो, और मेरी फिर भी जाके किचन के जो विंडो रहती किचन के विंडो में से भाग जाती कैसे भी। उसकी जो फ्रेंड है वो घर पे वापस आती और चेक करती क्या हुआ क्या नहीं, तो चेक करती और देखती उसको कि जो आवाज़ आ रही थी बेसिंग में से, और अचानक पुलिस वाले उसको आके घबरा देते, ये बहुत भारी सीन लगा था मुझे, पुलिस वाले आके घबरा देते उसको, और ये ऐसा होता। बाद में क्या जब पुलिस वाले देखते क्या है क्या नहीं प्रॉब्लम, उसको पूछते क्या हुआ मेरी कहाँ है उसका, सडनली उनको जो है डेड बॉडी मिल जाती, जो चोर की डेड बॉडी रहती वो घर में ही पड़े वाली रहती, वो डेड बॉडी मिल जाती उनको, ऐसा होता। और जब हॉल में जाके बैठती तो सोफ़ा जो है क्या उसको जम जम के चिल्ला के बोलता आई लव यू आई लव यू, इतना डर जाती मेरी और भाग जाती घर में से बाहर वो एकदम डर के, और उसको उसका पुराना जो बॉयफ्रेंड है वो दिखता उसको विंडो में से, और फिर वो चेकअप करने क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं भाई एक इसके पास जाती, किसके पास हो जो एक्सपर्ट्स होता उसको जाके मिलती कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो एक्सपर्ट्स बोलता उसको कि भाई जो तेरा पुराना बॉयफ्रेंड था उसने उसकी जो सोल है मीन्स उसकी जो आत्मा है वो बेच दिया उसने शैतान को, या डेविल को उसने बेच दिया उसकी जो आत्मा है, और आत्मा बेचे बाद में जो उसका जो जो आत्मा है वो डायरेक्ट उन्होंने क्या है में सोफ़ा में डाल दी,
अब ऐसी स्टोरी यहाँ तक आ गई। अब मैं स्पॉइल नहीं करूँगा आपके, लेकिन स्पॉइल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं स्टोरी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, स्टोरी किंग को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।